काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। हाँ, रील बना रहे हैं ना? कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे वाह, और शाबाश, ये सोशल बहुत मीडिया यूज़ बढ़िया नहीं काम करेंगे। किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, ये तो अच्छा बहुत किया अच्छी आप बात है। लोगों ने। जी सर, अब मैं चाहूंगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं जी बिल्कुल कि सर, उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज़्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। आप बेटा बहुत निराश लग रही हो। हाँ जी हाँ सर, पहली बार गई थी और हाँ मैं मतलब एक एक से हार गई थी बाउट, और मगर उससे जीत जाती तो मैं फाइनल तक जाती, गोल्ड भी ला सकती थी, पर वो मेरा बैड लक था, दिन अच्छा नहीं था तो सर मैं लूज हो गई कोई, अभी सर। तो उम्र बहुत छोटी है बेटा, बहुत करना है, हाँ जी सर, और हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, करके दिखाओगी। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मुझे लगता है कि इस बार हमारी पूरी कंटिंजेंट में जो इंजरीज हुई थी वो काफ़ी कम थी, एक या दो सीरियस इंजरी थी, पर नहीं तो यूजली क्या होता है कि सब गेम्स में से तीन चार मेजर इंजरी होती है जिनकी ऑपरेशन करनी पड़ती है, पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ एक था, तो वो अच्छी बात थी। एक सीखने का था कि जब भी ओलंपिक के जो विलेज में जो पॉलीक्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ रहती है, पर इस बार हमने सब जो फैसिलिटीज़ थी वो हमारे विलेज में ही हमारे बिल्डिंग में ही रखी थी, और इसलिए काफ़ी एथलीट जो थे वो उनका जो कुछ भी रिकवरी करना था, इंजरी मैनेजमेंट करना था, प्रेपरेशन भी जो करना था वो बहुत ही आसानी से कर सके। आई थिंक बहुत सारे एथलीट को वो यू नो वो प्रेफरेबल था, और आई थिंक उससे एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास सब कुछ है। आई थिंक इससे भी फ्यूचर में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे एथलीट को। देखिए साहब, डॉक्टर ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस बार हमारी टीम में पहले की तुलना में मिनिमम इंजरीज थी, इंजरी कम हुई है। इसका मतलब है कि खेल की हर चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज आ गई है। इंजरी होने का कारण वही होता है कि हमें खेल के संबंध में कुछ हमारा अज्ञान होता है जो हमें खुद को कभी कभी डैमेज कर देता है। ये सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आप को तैयार किया है, और छोटे मोटे जर्क आए भी, कठिनाई आई तो भी आपके बॉडी को आपने ऐसा बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं। तो मैं पक्का मानता हूँ आप लोगों ने काफ़ी ट्रेन किया होगा अपनी बॉडी को, काफ़ी मेहनत की होगी, तब जाके ये हुआ होगा। तो इसके लिए तो आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, मेरे साथ हमारे मनसुखे मांडविया जी हैं, खेल राज्य मंत्री बहेंद्र रक्षा खड़से जी हैं, हमारी खेल जगत में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पीटी उषा जी हैं। पेरिस से आप सब वापिस आए हैं, आप सबका और आप सबके साथियों का भी मेरे यहाँ हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी, उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है, उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है जी, कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए कि मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और उसके लिए
ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूँ। और पेरिस जाने से पहले जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है, तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे, इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। सच है, पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है, और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है, तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, सपने को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है, कठिनाई अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे, और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने, और लक्ष्य हमारा लक्ष्य सेन आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश शावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया, इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपने 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है, और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था, तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। मुझे विश्वास है
पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रांड टूर से आने वाले खिलाड़ियों को